वेलकम टू एसएन ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जो हमने इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें जो हमने रजिस्टर इन सीरीज पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये आपको बता दिया था, लेकिन इसका थ्योरी पोर्शन मिस हो गया था, मैंने वो आपको लिखा हुआ नहीं दिया था। तो इसलिए आज तो ऐसे हम न्यूमेरिकल जो सीरीज के रजिस्टर के कॉम्बिनेशन है उनके आज हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारा थ्योरी पोर्शन रह गया था उसको भी हम देख लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि जो जब रजिस्टर्स जो है वो कॉम्बिनेशन, जब उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो जो आई होता है, जो करंट होता है, वो क्या होता है, वो हर रजिस्टर में सेम होता है। ईच रजिस्टर में आई क्या है, सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईच रजिस्टर में अलग अलग होता है। ठीक है, हमने यही बात की थी। तो इस बात को हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट इसको हमने थ्योरी पोर्शन में नहीं डिस्कस किया था, इसलिए आज इसको सबसे पहले डिस्कस करके फिर हम जल्दी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टेंस। जैसे हम बात कर रहे थे आर की, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है आर, जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है आर, वो किसके है, इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रजिस्टेंस जो है ना उनके सम के बराबर है। जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है, जो रिजल्टेंट रजिस्टेंस है, वो क्या है, वो जो इंडिविजुअल रजिस्टेंस है ना उनके सम के बराबर है। ठीक है, अब एक बहुत मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये उस टाइम पे मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दस ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, जो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर की वैल्यू है, ये जो आर की वैल्यू है, ये क्या होते हैं, ये इन सारे जो इंडिविजुअल आर की वैल्यूज है ना, उसका सम है। उसका क्या है, सम है। तो जब उस सब को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम ही आएगी ना। मान लीजिए कि आपका आर वन क्या है, 2 ओम, ठीक है, R2 क्या है, 2 ओम, ठीक, R3 क्या है, 4 ओम, ठीक है, ठीक। लेकिन जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ओम। क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो ये क्या हो, ये मैक्सिमम आया ना, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आया ना। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये इनमें से किसी भी रजिस्टर के, जो रजिस्टर है उसके बराबर तो है नहीं, ये उनकी मैक्सिमम वैल्यू। जब आप किसी चीज को सम करते हो तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ही तो आएगी। तो जो रजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्टिव रजिस्टेंस होगा। उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो था जो हमारा मिस हो गया था, और इसको हम लोगों ने डिस्कस वहां पे नहीं किया था, मतलब डिस्कस कर लिया था, बस थ्योरी नहीं देखा था इसका। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के दोनों के साथ में करने जाएंगे तो आप क्या है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने पहले सीरीज को पढ़ लिया, अब हम सीरीज वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको करेंगे, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर पैरेलल वाले जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, डैम इजी है, तो पहले हम उसको देखते हैं, क्योंकि अगर एक सिंपल क्वेश्चन आपको देता है तो आपको उसको कैसे करना है। तो ये इफ फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि अगर चार रेजिस्टेंस है और हर एक की वैल्यू 1 ओम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो पहले और क्या है सीरीज में, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। इसकी भी वैल्यू 1 ओम है, इसकी भी वैल्यू 1 ओम है, इसकी भी वैल्यू 1 ओम है, इसकी भी वैल्यू 1 ओम। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब बोल रहा है ये हो गया R1, R2, R3, R4। अब हमको बोल रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो मैंने आपको बोला था चाहे एक से ज्यादा, चाहे जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगे हो, आप उनको क्या करना, बस उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके आप उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होता है R=R1+R2+R3+R4। अगर इसके आगे R5, R6, R7 भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 ओम+1 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 ओम। ठीक है, उसके बाद सबको प्लस कर दे, ये क्या आ जाएगा 4 ओम। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, 1 1 की जगह 2 2 हो, 2 3 4 5 जो भी हो वैल्यू, और इस तरीके से आप उसको प्लस करके उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग फॉर्मूला है लेकिन सीरीज के लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे ताकि हम उसमें सारी चीजों को क्या कर सके, निकाल सके, उसमें हर तरह की चीजों को, उसमें करंट भी हम निकाल सके, हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सके, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी वैल्यू उसमें दे दी जाए तो आपको कम से कम तरीका पता हो कि किस तरीके से उसको निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है इसमें आपको सर्किट भी ड्रॉ करना है, इसमें जितनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, इसमें जितनी चीजें आपको निकालनी है वो उससे कम, उससे उतनी ही चीजें आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि एक आपको क्या करना है, सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें जो सेल है 3 सेल है, उसमें क्या है 3 सेल है और हर एक सेल की जो वोल्टेज है वो कितना है 2 वोल्ट। तो चलिए भाई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई हमारी, ये सेल हो गया, 3 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसने बोला कि 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। अब यानी कि ये 3 रजिस्टर और जो प्लग की है वो क्या है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें और एक पार्ट है, द एबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, वॉट विल बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। मतलब कि हमसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आप क्या है, हमें करंट बताइए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, और हमें ये बताइए कि जो 12 ओम का रजिस्टर है तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज क्या है वो होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपना बना लेते हैं सर्किट। ठीक, अब ये हो गई हमारी बैटरी, ये हो गया हमारा की, अब हम यहां से ऊपर गए, यहां पे हमने लगा दिया अपना एमीटर, क्योंकि भाई क्या है सब सीरीज में लगाना है। फिर हम यहां से गए,
ये हो गया हमारा 5 ओम का रजिस्टर, फिर गए, फिर हो गया हमारा 8 ओम का रजिस्टर, ठीक है, फिर हम आगे गए, फिर यहाँ पे हुआ हमारा 12 ओम का रजिस्टर, ठीक है। अब ये जो 12 ओम का रजिस्टर है, इसी के अक्रॉस हमको क्या बोला है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, इस तरीके से क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी जगह आपको किसी भी रजिस्टर का आपको जो वोल्टेज निकालना है, तो आपको जो वोल्ट मीटर होगा उसको क्या करना होगा, इसको पैरेलल लगाना होगा। उसको क्या करना होगा, पैरेलल। एमीटर को आप सीरीज में लगा सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाना होगा, आपको पैरेलल लगाना होगा, किसके अक्रॉस द रजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद इसने बोला, अभी हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसने बोला कि जो एक एक सेल है वो दो दो वोल्ट का है, और इसमें लगे हैं 3 सेल, इसमें कितने लगे हैं, 3 सेल। तो 3 सेल लगने के बाद तो ये जो इसका जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब 3 सेल लगे ना, तो तीनों सेल का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि क्या है कि हमारा जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, 6 वोल्ट का है। क्या है, 6 वोल्ट का, ठीक है। इतना आगे आपको समझ में, हमने क्या किया, हमने कर दिया कि इसको हमने जो सर्किट था वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमसे जो चीजें पूछ रहा है, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड पूरा का पूरा क्या हो चुका है, भर चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करूंगी, उसके बाद ही हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से इसको रब करके फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, अब तो हमारे पास पूरा का पूरा बोर्ड है, और जो भी चीजें दिया हुआ था उसका हमने बना दिया है सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होगी, हमको ये पता है कि हमारा जो वोल्टेज है, जो बैटरी है, वो कितने की है, 6 वोल्ट की है। क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। R1 कितना है, 5 ओम, जो जो हमको दिया है वो हम लिख लेते हैं। R2 कितना है, 8 ओम, ठीक है, और R3 कितना है, 12 ओम, ठीक, ये हो गया, ठीक। इतनी चीज तो हमको दी है, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। अब हम पहले क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, R निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तो ये कितना हो गया आपका भाई, 5 और 8 कितना हो गया आपका, 13, 13 और 12 हो गया आपका 25 ओम। मतलब कि आपका रिजल्टेंट कितना निकला, R कितना निकला, 25 ओम निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एमीटर की वैल्यू, कितनी निकालनी है, एमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम ही होता है, हर रजिस्टर में क्या होता है, सेम होता है, यानी पूरे सर्किट में वो सेम अमाउंट का जो करंट होता है वो फ्लो होता है, ठीक है। तो हमारा जो ओम्स लॉ का है, ओम्स लॉ का जो हमारा वो है फॉर्मूला है, वो क्या है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। R हमें दिया है 25, V दिया है 6 वोल्ट, R क्या दिया है, 25 ओम, और V क्या दिया है, 6 वोल्ट, और I हमें क्या करना है, निकालना है। I को हम इधर लेके चले गए, 25 नीचे आ गया, और ये आ गया 25 ओम, ठीक है। तो जब 6 अपॉन 25 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.24 एम्पियर, क्या आएगी, एम्पियर A, ठीक है। अब ये आ गई आपकी आई की वैल्यू, जो एमीटर की वैल्यू थी, जो एमीटर की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 0.24 एम्पियर, वो क्या आएगी, 0.24 एम्पियर आएगी एमीटर की रीडिंग।
जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया हो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो पहले आप उसका रिजल्टेंट निकालिए, जितने भी रजिस्टर लगे हो उसमें आपको पहले रिजल्टेंट निकालिए, फिर ओम्स लॉ में आर इक्वल टू वी अपॉन आई का जो फॉर्मूला है उसमें रख के आप आई की वैल्यू निकालिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जो 12 ओम का रजिस्टर है, जो क्या है 12 ओम का रजिस्टर है, उसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें निकालना है रीडिंग। ठीक है, तो अब फिर हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा बी पार्ट था ये तो मान लीजिए ए पार्ट था, ठीक है, अब हमारा बी पार्ट क्या है, अब यहाँ पे दे दिया हमको जो आर थ्री था वो 12 ओम है, ठीक है, और हमें आई की वैल्यू दे दी है 0.24 एम्पियर, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी, क्या निकालना, हमें निकालना है वी। तो चलिए फिर हम अपना वी फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो वी निकालने के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला लगाए, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक, हमको निकालना है वी, तो वी के लिए क्या हो जाएगा, आर इंटू आई, आर की वैल्यू क्या है 12 और आई की वैल्यू 12 ओम है और आई की वैल्यू क्या है 0.24 एम्पियर है। जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.88 वोल्ट, क्या आएगा 2.88 वोल्ट आएगा, ये आ जाएगा आपका किसके अक्रॉस, ये आ जाएगा आपका 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, क्या है 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि आई तो सेम ही रहेगा, आई तो हर जगह सेम ही रहेगा, तो आई तो 0.24 एम्पियर हमने निकाल लिया है, ठीक है, और वी हमको निकालना है, इसकी वैल्यू हमको इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 2.88 वोल्ट। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि अगर आप चाहो तो, अगर जैसे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें क्या है कि 5 ओम के भी अक्रॉस वोल्ट निकालना हो और 8 ओम के भी अक्रॉस वोल्ट निकालना, मतलब इसमें तो अभी दिया था सिर्फ एक रजिस्टर जो रजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्ट निकालने को, लेकिन अगर आपको दे दे तीनों के अक्रॉस वोल्ट निकालने को तो कोई भी ऐसे घबराने की बात नहीं है, जिस तरीके से आपने ये वाला निकाला है उसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हो। अगर मुझे 5 ओम का निकालना हो, अगर मुझे क्या करना हो 5 ओम का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वी आई, ठीक है, R की वैल्यू हो गई 5 ओम, ठीक, V हमें निकालना है, I की वैल्यू हो गई 0.24 एम्पियर, ठीक है, V क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 ओम इंटू 0.24 एम्पियर, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका ये वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, 5 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए आपको अगर किसी का भी बोल दे निकालने के लिए, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बस आर की वैल्यू चेंज होगी, आई तो चेंज ही नहीं होगा, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये था मैंने सिर्फ एक तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया और दूसरा मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये इस मतलब और ज्यादा इसलिए भी नहीं किया क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ सेम ऐसे ही रहेंगे, या तो आपको 12 के नहीं 8 के अक्रॉस कर देगा, या तो आपको बोलेगा सबके अक्रॉस जो हर ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो है आप हमको वोल्ट बताइए, तो कुछ चीजें ऐसे आपको दे देगा। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सर्किट भी क्या किया, वो किया, ड्रॉ किया, तो एक ये भी पोर्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कि अगर कोई भी ऐसा विदाउट सर्किट का हमें कोई क्वेश्चन देता है तो हम आराम से पहले उसका सर्किट ड्रॉ करेंगे जैसे जैसे उसमें बोला होगा और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना जो रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।